अस्सलाम वालेकुम, क्या आप जानते हैं कि खून किसकी जात है और इसकी कितनी इकसाम है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। कार्ल लैंडस्टेन नामी ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जिसने 1901 में ABO ब्लड टाइप्स इकसाम ईजाद की, और इसको इसी ईजाद के तहत 1930 में नोबल प्राइज़ से नवाजा गया। दूसरी जंग अजीम में, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई ऐसा कोई निज़ाम नहीं था, तो इसी के लिए जो है उस टाइम बहुत सी जानों का इनको नुकसान हुआ। उस बहुत जानों के नुकसान के तहत फिर इन्होंने साइंटिस्ट इकट्ठे किए, इनकी मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि यार कोई ऐसी चीज़ हो जिसके तहत हम खून एक ट्रांसफ्यूज कर सकें, कोई इस तरह का मेथड जो हमें पता चल जाए कि इस बंदे को ये खून लग सकता है। तो इसी लिए इस बंदे ने ए बी और ओ टाइप्स जो है ईजाद की। फिर उसके बाद ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरह की इकसाम बाद में आई हैं। तो नाज़रीन, ब्लड ग्रुपिंग हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। अगर ब्लड ग्रुपिंग प्रॉपर तरीके से ना हो तो इंसान की जान भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया। और भी कीमती मालूमात के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन